हमारे सामने हैं विंध्य के जुझारू साथी, जो कि पिछड़े वर्ग को हक अधिकार दिलवाने के लिए अपना सतत प्रयास करते हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश डायमंड जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल आप लोगों ने पूरे देश के अंदर हल्ला बोल का आह्वान किया है, ये हल्ला बोल का आह्वान किस चीज़ को लेकर आपने किया है, हमको बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल हल्ला बोल का कार्यक्रम विवेकानंद पार्क में रखा है रीवा में। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे जिलों में, जो ये हल्ला बोल कार्यक्रम नहीं, ये ओबीसी जगाने का कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं, अगर ओबीसी जाग गया तो ये हल्ला बोल क्या, पूरा भारत बोलेगा कि ओबीसी किस तरह से अपना अधिकार मांग सकता है, छीन सकता है, किस तरह से हासिल कर सकता है। आप लोगों ने पिछले 28 जुलाई को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया, देश की आधी आबादी पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए। तो इससे सरकारों ने आपके पक्ष में कई फैसले लिए, तो इस तरह के हक अधिकार के लिए आप लोग आगे भी कुछ करेंगे या आपका कार्यक्रम इसके बाद समाप्त माना जाए? बिल्कुल करेंगे, जब तक हमारी जितनी हमारी संख्या है उसके आधार पर हमें आरक्षण दिया जाएगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमें नीट की पेपर जो शिक्षकों की भर्ती है 27% वो नहीं मिलेगा, जब तक हम ये हमारी लड़ाई लड़ती रहेगी। और ओबीसी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है, आप ये जान लीजिए कि ओबीसी की लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। बात रही 28 तारीख की, 28 तारीख जो मुझे आरक्षण मिला है वो हम लोगों की वहाँ पे जंग लड़ने का खून पसीना एक करके पूरे भारत के लोग, ओबीसी के लोग दिवस जाके पूरे जिलों से जाके भोपाल में हम लोग पूछ किए हैं, कम से कम 20,000 की जनता की, वहाँ जाके सीएम का घेराव करने गए। जब वहाँ के प्रदेश ये नगरी लूली सरकार, केंद्र सरकार जानी ये ओबीसी अब रुकने वाला नहीं है, जब उन्होंने हमारी बातें रखा कि अगर नहीं देंगे तो ये सरकार गिरा सकते हैं, अगर सरकार बनाने में इनका हाथ है तो ये सरकार गिरा सकते हैं, जिस दिन हम अपने पुत्र आए, जिस दिन ओबीसी अपने पुत्र आया, तो उस दिन हम 27% का हम 52% लेकर रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।